रामायण में आर्य पारिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का निरूपण हुआ है। राम अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श मित्र एवं आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन चरित्र आज भारतीय संस्कृति का आदर्श माना जाता है। राम आर्य जीवन के उच्च आदर्श के प्रतीक हैं। रामायण प्राचीन आर्यों की उच्च आदर्श युक्त संस्कृति की संवाहक है। बालकांड में राम सीता के जन्म तथा श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन है। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले प्रभु श्री राम से सीता का विवाह किया। अयोध्या कांड। रामायण के अयोध्या कांड में कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। श्री राम सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए अयोध्या छोड़कर चले गए। अरण्यकांड के 3 डाक टिकट हैं, जिसमें से एक में 14 वर्ष के वनवास जाते समय केवट द्वारा सरयू नदी पार कराई गई है। वनवास के दौरान शबरी द्वारा दिए गए झूठे बेरों को राम जी ने बड़े प्रेम से खाया, इस बात का चित्रण 2 टिकट में किया गया है। रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण किया। सीता माता को बचाने के लिए जटायु पक्षी ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण ने जटायु के पंखों को काट डाला। 3 टिकट में राम घायल जटायु को सहला रहे हैं, इस प्रसंग का चित्रण है। किष्किंधा कांड में राम का हनुमान से मिलन, वानर सेना द्वारा सीता माता की खोज और हनुमान द्वारा लंका की यात्रा करके लंका दहन की कहानी का बड़ा ही सजीव चित्रण है। सुंदरकांड। इस डाक टिकट में हनुमान जी का सीता माता से अशोक वाटिका में मिलन और सीता माता द्वारा राम जी के लिए चिन्ह स्वरूप कंगन देने की घटना को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए डाक टिकट में प्रभु श्री राम द्वारा बनाए गए सेतु बंध का प्रसंग वर्णित है, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया है। लंकाकांड। लंका में श्री राम की वानर सेना का प्रवेश तथा राम और रावण के बीच युद्ध का आरंभ होता है, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद द्वारा शक्ति बाण के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं तथा हनुमान जी संजीवनी बूटी न मिलने पर संपूर्ण हिमालय पर्वत को उठाकर ही ले आते हैं। अंत में श्री राम रावण का वध कर देते हैं और विजयी होते हैं। विजय सेना के साथ राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं।
रामायण का सातवां और अंतिम कांड है उत्तरकांड। अयोध्या में धूमधाम से राम के आने पर दिवाली मनाई जाती है और श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया जाता है। राम कथा के माध्यम से वाल्मीकि ने आर्यों के संघर्षमय जीवन, त्याग, वचन पालन एवं सामाजिक मर्यादा पालन के लिए प्राण तक त्यागने की परंपराओं का वर्णन किया है। आर्यों के साथ साथ इस ग्रंथ में वानर संस्कृति एवं राक्षस संस्कृति की परंपराओं का भी वर्णन किया गया है। रामायण न केवल भारत देश का धार्मिक ग्रंथ है, अपितु इसकी पहुंच दुनिया के सभी कोनों तक पहुंच गई। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रामलीला शो प्रदर्शित किए जाते हैं। 2005 में यूनेस्को ने रामलीला को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति घोषित किया। भारतीय आज भी दिवाली जैसे त्योहारों को रामलीला का मंचन करके मनाते हैं। आशा करते